मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करना चाहता okay. हूँ, और मैं एक्टिंग का जिसका सबसे लंबा करियर है ऐसे अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, बिना उन्हें सदी का महानायक कहे। हमारा सौभाग्य है कि एक वही इंसान हमारे साथ जिनका इंटरव्यू हम लेने वाले हैं। सौरभ जी, हाउ आर यू? हाउ आर यू डूइंग? बहुत लल्लन टॉप। जेएलएफ का पूरा माहौल जो है कैसा लग रहा है यार? मेरे साथ क्या है कि मैं जब उस माहौल में होता हूँ तब मैं ठीक ठीक जज नहीं कर पाता हूँ कैसा है। अच्छा, तो अभी जब वापस जाऊँगा तो कल परसों में शायद समझ में आए कि आज का दिन कैसा बीता। जल्दी नहीं है अभी तय करने की कि ये दिन कैसा बीता, अभी तो बीत रहा है ना। सर आपका वो एक कोट है ना, कर्पे दियम। ओके, अच्छा कैसे कैसे करते हैं उसका उच्चारण बताओ यार, तुम थोड़ा अंग्रेजी पिक्चर लग रहे हो। नहीं नहीं सर, अंग्रेजी पिक्चर नहीं, मैं भी आने की छोटे शहर का इंसान हूँ, लेकिन कार्पे डियम शायद से बोलूं। हाँ, बस 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 भाई। सर आज क्या हासिल करा आप? आज ना मुझे बहुत सारे लोग मिले, अलग अलग वय के, अलग अलग एज ग्रुप के, जो इतने मुस्कुरा के इतने रोशन ढंग से हमसे बात कर रहे थे कि हम लोगों को लगा कि हम लोग उस न्यूज़ रूम में बैठे जो गुमताड़ा करते रहते हैं वो सब कुछ सफल है सार्थक है, तो बड़ा मज़ा आता है। एक आंटी आई, वो बोली कि अच्छा ये बताओ बेटा, हम जो तुम्हारा वीडियो लाइक करते हैं उससे तुम लोगों को कुछ मॉनेटरी गेन होता है कि नहीं? मैंने कहा जी मॉनेटरी गेन भी होता है और हौसला भी बढ़ता है, तो आप करते रहो। सर उस पॉइंट पे मैं जानना चाहूँगा, कब आप मुझे सौरभ बुलाएंगे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। सौरभ जी, सौरभ का सौरभ चलेगा सर? ओके, सर भी नहीं बोलूँगा। नहीं सौरभ, सिर्फ सौरभ। सर आप मुझे ये बताइए किस मोमेंट पे आपको लगा, जो भी आपका एक स्ट्रगल तो रहा ही होगा क्योंकि यू ऑलरेडी मीडिया सबका होता है, कोई मेरा स्पेशल थोड़ी है। नहीं तुम्हारा स्ट्रगल नहीं है सर, तुमने किसी दिन सोचा होगा कि मैं ऐसे रेड एफएम के लिए माइक पकड़ के बात करूंगा आज तुम कर रहे हो? सबका रहता है। एक दिन मैं सौरभ का इंटरव्यू लूंगा आज दे रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताइए कब किस मोमेंट पे आपको लगा कि यार ये जो लल्लन टॉप जो मेरा आइडिया है, एक तो कहाँ पे आया और लगा कि यार अब ये पुश करके ना मैं इसको कुछ बड़ा बना सकता हूँ? यार कोई भी पैदाइश ना आप ठीक ठीक किसी बिंदु पे उंगली नहीं रख सकते कि तब आई वो, आप और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन सब का आप पे असर पड़ता रहता है, और फिर एकदम से आपको लगता है कि अरे यार ऐसा कुछ हो सकता है ना। कोई ऐसा नहीं है कि इतनी तारीख को इतने बजे मेरी बत्ती चमकी, मैं यूरेका कहता हुआ नंगा दौड़ पड़ा, लोगों ने कहा आर्किमिडीज 2.0 आ गया है, ऐसा नहीं होता है। आपके इंटरव्यूज तीन तीन घंटे के होते हैं? हाँ जी भाई साहब, घर में सब लोग देखते हैं ये, इल्ज़ाम तो सही है। हमारे चाचा जी भी देखते हैं, प्रणाम कहिएगा हमारा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ढाई तीन घंटे तक, क्योंकि ये भी एक अपने में एक आर्ट होता है किसी से कॉन्वर्सेशन करना, और बड़े बड़े लोग आते हैं आपके पास पॉलिटिशियन से लेकर, कोई आर्ट नहीं है, मैं बताता हूँ। मज़े हैं, तुमको हम कहें कि तुम्हें हीरो हीरोइनों से, ऑथर्स से, पॉलिटिशियन से बातें करनी है, मिनिस्टर्स से बातें करनी है, अधिकारियों से बातें करनी है, और मज़ेदार बातें करनी है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो उनसे और तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। हाँ। तुम करोगे कि नहीं करोगे? कर लेंगे, क्यों नहीं। मेरी नौकरी इतनी बढ़िया है, हमको लगती है नौकरी है, जिस दिन नौकरी लगेगी उस दिन छोड़ देंगे काम। हाँ। इतने सारे लोगों को इंटरव्यू करा आपने? थोड़े बहुत किए हैं। हाँ थोड़े बहुत तो नहीं, बहुत सारे करे सर, हम्बल हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा लगा कि यार ये जो बंदा है आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो, यानी ये बहुत ही मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन नहीं, यानी कि एक बंदा जो आपको लगा कि यार दिस गाय, यानी कि इस बंदे ने के साथ इंटरव्यू करके आपको मजा आ गया, फिर कुछ एक नया डायमेंशन खुला सोच के बारे में? हाँ बहुत सारे हैं। मैं उन बच्चों में हूँ जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और चारों पे टिक लगा के आते हैं, दो ऑप्शन अपनी तरफ जोड़ के भी आते हैं कि पाँच और छह भी ऑप्शन होना चाहिए था, ABCD लिखा है, EF भी जोड़ देते हैं। एक व्यक्ति से हमने बात की थी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय में, वो कन्हैया कुमार के घर कम दफ्तर के बाहर खड़े थे और वो अपने जोन में थे, अपने ट्रांस में थे, पर उस आदमी का कन्विक्शन बड़ा कमाल का था, है ना। एक व्यक्ति हमको मिला था इत्तेफाकन, देखिए बिहार में ही 2020 के विधानसभा चुनाव में, और वो झोला छाप डॉक्टर था और उसका बड़ा कमाल का कन्विक्शन था, और पॉपुलेशन कंट्रोल पर उसने जो ज्ञान दिया था कि यू हैव टू इंसेंटिवाइज दिस, वो बड़ा अद्भुत था। तो हम जिस पेशे में, उसमें हमें कई दिलचस्प किरदारों से बात करने का मौका मिलता है। अभी जैसे पिछले दिन हम लोग जो एक हमारी सीरीज है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, उसमें कई दिलचस्प लोग आते, मतलब एक हैंगमैन आया जल्लाद और उसने कहा कि साहब जब आप फांसी पर नहीं चढ़ा रहे होते लोगों को, जो कि दो तीन साल में एक बार होता, अब क्या कर रहे होते? तो बोला जी मैं साइकिल पर लाद के कपड़े ले जाता हूँ और गाँव में बेचता हूँ। अब ये देखिए कितना आपको लगेगा कि किसी स्क्रीन प्ले राइटर ने क्या कमाल का सीन लिखा है कि एक साइकिल पे कपड़े बेच रहा है गांव में, और बोले जी काम क्या करता है, बोले जी फांसी पे चढ़ाता है, उसके बाप दादा भी फांसी पे चढ़ाते थे।
तो बहुत सारे किरदार मिलते हैं। गोविंद नामदेव एक एक्टर हैं, उनकी कहानी मैं कभी नहीं भूलता हूँ। उनके पिता भगवान की पोशाक बनाया करते थे, मतलब टेलर में भी स्पेशलाइजेशन था, और वो बहुत छोटे थे जब ऐसे घर वालों को कन्विंस करके दिल्ली आ गए थे, किसी को नहीं जानते थे। उन्होंने तबेले में काम किया, दुकानों पे काम किया, और वो पढ़े और पढ़ के NSD पहुँचे, और इतना कमाल आदमी मतलब। तो जो आप बोले ना संघर्ष, बहुत बड़े बड़े संघर्ष वाले पढ़े हैं यार, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, मतलब इसका कोई एक जवाब नहीं है। कभी आपको ऐसा लगा किसी को इंटरव्यू करके, और मैं नामी लोगों की बात कर रहा हूँ जिनसे आपने बातचीत करी हो अपने चैनल पे, और आपका दिल बहुत भारी हो गया? कैलाश सत्यार्थी जी का इंटरव्यू कर रहा था जिसमें वो उन लड़के लड़कियों के बारे में बता रहे थे जिनसे बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, और वो किस तरह की तकलीफ से गुजरते हैं। उन्होंने एक खदान से बच्चों के एक बैच को मुक्त कराया था, और वो छोटी सी लड़की थी, उनकी कार में केले रखे हुए थे, उन्होंने उन बच्चों से कहा कि बेटा केला खा लो, उनको ये पता नहीं था कि केला क्या होता है, तो उन्होंने इशारे से बताया कि ऐसे कुछ हरा हरा सा रखा होगा फल, उन्होंने उठा लिया और वो उस फल को देख के बोले कि यार ये प्याज तो नहीं लग रहा है, फिर बोले ये आलू भी नहीं है, मारवाड़ी में बोल रहे थे। उन बच्चों के लिए खाद्य सामग्री का मतलब सिर्फ प्याज और आलू था। फिर उन्होंने केला खाना शुरू किया तो थूकने लगे, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था कि केला छीला जाता है, क्योंकि वो बच्ची बचपन से उसकी माँ उस खदान में गुलामी कर रही थी, अब वो गुलामी कर रही थी। और फिर उसने जोर से कैलाश सत्यार्थी के कंधे पे हाथ मारा, लड़की ने, 8 साल की लड़की, देवली नाम उसका, और वो बोली कि क्यों रे तू पहले क्यों नहीं आया, मतलब तू पहले मुझे बचाने क्यों नहीं आया, पहले मुझे केले का स्वाद क्यों नहीं पता चला, पहले मुझे क्यों नहीं पता चला कि मेरी सांस पे किसी की पहरेदारी और हिस्सेदारी नहीं है। और ये हिंदुस्तान के उन लाखों बंधुआ मजदूरी में जूझ रहे लड़के लड़कियों का सवाल है, हम सबसे पढ़े लिखे लोगों से। और ये कहानी सुनाते सुनाते कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए थे, और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था वो। तो होता है ऐसा, मतलब अक्सर ही होता है। हाँ वो यही जीवन है, ये दिखाता है कि आपके अंदर अभी ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी नहीं आई है। थोड़ा लाइटर नोट पे, कोई इंसान जो आपको चाहिए कि यार इसका इंटरव्यू करना और अभी तक ना करा? मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, और मैं एक्टिंग का जिसका सबसे लंबा करियर है ऐसे अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, बिना उन्हें सदी का महानायक कहे, क्योंकि सदी बहुत बड़ी है। मैं युवाल नोआ हरारी का इंटरव्यू करना चाहूँगा, कई गुजर भी गए हैं, पंडित भीमसेन जोशी से बात करने का मौका मिलता अगर। इरफान भाई का मैं दोबारा इंटरव्यू करना चाहूँगा। एग्जैक्टली, उसके ऊपर एक्चुअली सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जगह बात हुई कि बाबिल आपके साथ आए स्टेज पे थे जी भाई, आप वो क्लिप काफ़ी जगह शेयर भी हुआ जी, जब आपने बाबिल को उनके डैड के बारे में बताया जी, तो बाबिल आपको कैसे लगे, इरफान की छवि लगी नहीं लगी, क्या लगा? हाँ हाँ, वो बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्रतिभाशाली नौजवान है, और उस नौजवान को देख के लगता है कि हम सब अपने माँ बाप की परछाई होते हैं। YouTube चैनल, इतना बड़ा चैनल, इतने सारे इंटरव्यूज, इसके बाद OTT पे भी आपको नज़र आएंगे क्या, कि कुछ डायरेक्ट करेंगे? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, उम्मीद एक जिंदा शब्द है, है? Never say no, never. On that note, एक और आपसे सवाल जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ पे जो सेशन था लिटरेचर इन द मॉडर्न टाइम्स, बुक्स के बारे में क्या सोचते हैं सर, यार कि अब इतना सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, इतना कुछ आ गया, आपका पर्सनल टेक? यार हम ना कई मामलों में बड़े कंजर्वेटिव आदमी हैं, जब तक हमें वो छपी हुई किताब नहीं मिलती है जिसमें हम पेंसिल से 4 निशान बना लें, तब तक हमें लगता है कि हम इस पर अपने हिस्से का हक नहीं जता पाए हैं। तो किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, किताबें ना जादू होती हैं, है ना, किताबें पढ़ के तुम चिड़िया भी बन सकते हो और मछली भी बन सकते हो, और ये बन पाओ ना बन पाओ थोड़ा तो आदमी बन ही जाते हो, तो किताबें तो पढ़नी चाहिए। कोई किताब जो आप रिकमेंड करेंगे जो आपके दिल के करीब हो? बहुत सारी हैं, गैब्रियल गार्सिया मार्केज़ का कुछ भी पढ़ लो, राही मासूम रजा का कुछ भी पढ़ लो, कितने नाम हैं, शिम्बोश्का की कोई भी कविता उठा के पढ़ लो, निर्मल वर्मा को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दो, चिनुआ अचीवे को कहीं से भी पढ़ लो, दोस्तों के कितने नाम हैं यार, इतने हजारों बरस से हमारे पुरखे कागज कार्य कर रहे हैं ताकि हम कुछ और बेहतर हो पाएं,
कहीं से भी सिलसिला शुरू कर दो, किसी भी सूफी को पढ़ लो, किसी भी भक्त कवि को पढ़ लो, कबीर को पढ़ लो, तुलसी को पढ़ लो, किसी भी दार्शनिक को पढ़ लो, पतंजलि को पढ़ो, हाँ पतंजलि के योग सूत्र को पढ़ो, भर्तृहरि को पढ़ो, और अभिनव गुप्त की थ्योरी कुछ भी पढ़ो यार, बहुत है, कोई सिरा है इसका। सर इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं आप और काफ़ी इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बोला हो यार कि ये वाला पार्ट एडिट कर देना, वाला पार्ट मत रखना? अगर पॉलिटिशियन का इंटरव्यू है तो हम इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करते हैं। अगर कोई फिल्मी हस्ती या किसी का इंटरव्यू है जिसमें वो बहुत भावुक हो गया है ना, या उसे लगा कि एक ऐसे समय में जब तो कोई क्लिप प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो रिक्वेस्ट करते हैं और हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि कोई अपने हृदय की खिड़की आपके लिए खोल रहा है तो इसमें उसका बड़प्पन है ना। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ब्रेकिंग और सेंसेशनल न्यूज़, वी आर इन द बिजनेस ऑफ न्यूज़ विच सेंसिटाइजेज यू। तो हमें सेंसेशन नहीं, सेंसिटिविटी चाहिए। आपको लगता है सेंसिटिविटी वापस आएगी? अरे बिल्कुल आएगी यार, क्यों नहीं आएगी। न्यूज़ चैनल का नहीं पता भाई, उनका नहीं कह सकता मैं। कुछ रोग असाध्य होते हैं, कुछ टर्मिनली इल लोग होते हैं, और न्यूज़ चैनल की तो मुझे समझ नहीं है यार, मैंने वहाँ बहुत कम काम किया, कुछ ही महीने काम किया है, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। वैसे भी एक हलवाई को दूसरे हलवाई पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोग कहेंगे जलता है मजनू। ऑन दैट नोट, दैट इज सौरभ द्विवेदी, अ ब्रिलियंट पर्सन, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि वेब सीरीज पे सर, ओटीटी पे कोई एक प्रोग्राम फिक्शन में भी जाए। आमीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।